हेलो दोस्तों, क्वेश्चन इस तरह से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू हंड्रेड, देन एन इज इक्वल्स टू वाट। यानी कि अगर एन की किस वैल्यू के लिए ये जो है हमारा हंड्रेड आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर मैं एक्स टेंस टू एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पुट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है हमारा, ये यहाँ पर हम जीरो पुट करेंगे तो ये वन की पावर एन हो जाएगा, और वन की पावर एन क्या होता है, वन माइनस का वन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। और ये हमारा जीरो है तो ये हमारी कौन सी फॉर्म बन रही है, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। तो इसमें हम क्या करते हैं, लॉ हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। लॉ हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि ऊपर नीचे नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा हमारा, एन वन माइनस एक्स, और वन माइनस एक्स का फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का वन। कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जीरो डिवाइडेड बाई वन। ठीक है, अब ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो एक्स टेंस टू जीरो ये हमारा किसके इक्वल दे रखा है, हंड्रेड के। अब यहाँ पे एक्स टेंस टू अगर मैं जीरो पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का एन, ठीक है, इज इक्वल्स टू हंड्रेड। दिस इम्प्लाइज दैट एन इज इक्वल्स टू माइनस का हंड्रेड। यानी अगर एक्स की वैल्यू माइनस हंड्रेड होगी तो इसकी लिमिट जो है वो क्या आ जाएगी हमारी, 100 आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।